अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं फरजाना मेमन आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ आलू बुखारे का शरबत, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम चीज़ों से हम घर के अंदर इसे तैयार करेंगे, जो हमारी स्किन को भी बहुत ही फ़ायदा देता है और खून बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। और हम बनाएंगे घर में ही अपने सफाई के साथ आलू बुखारे का शरबत। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू बुखारे लिए हैं, इसे अच्छी तरीके से हम सफाई कर लेंगे। जो छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं इसके अंदर वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी सारी डंडियाँ निकाल दी हैं और इसको मैं 2-3 पानी से वॉश कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो मिट्टी होती है वो हमारी साफ़ हो जाए। आप देखें कितनी मिट्टी निकली है। अब इसे एक पानी से हम और धो लेंगे। इसके डेंटल तो मैंने साफ़ कर दिए थे और पानी से इसे अच्छी तरीके से हमने धो लेना है। इसे हमने अच्छी तरीके से धोया, वॉश किया और 2 पानी से हमने साफ़ कर दिया है। आप देखिए घर में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमें पता होता है कि हमने किस चीज़ से बनाया है और किस तरीके से बनाया है। यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी डाला है, आधा किलो आलू बुखारे हैं और इसे मैं तेज़ आँच पर पकने के लिए रख दूँगी। जब तक आलू बुखारे पक रहे हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बटन को ऑल पे जाके सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी से देखने को मिल सके। यहाँ पर मैंने आलू बुखारे का ढक्कन उठा के देखा है, चेक किया है, तो अभी वो थोड़े और कच्चे हैं, थोड़ी देर इसे हम और पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ी देर और पकाया है। हमें इतनी देर पकाना है कि इसकी गुठलियाँ जो है वो इसका जो अर्घ है वो छोड़ दे और गुठलियाँ बआसानी से निकल आए। यहाँ पर मैंने चीनी ले ली है, चीनी भी मैंने आधा किलो ही डाली है। आधा किलो आलू बुखारे हैं और आधा किलो ही चीनी है। 3 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन मैंने आधा किलो डाली है ताकि मैं बोतल भर के रख दूँगी। जिस तरीके से हम लोग रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, नौरस बनाते हैं, उसी तरीके से आप इसे ठंडा ठंडा बर्फ़ के साथ पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब लग रहा है कि हमारे आलू बुखारे जो हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुके हैं और उनका छिलका जो है वो उतर चुका है। तो यहाँ पर इसे मैं अच्छी तरीके से मैश करूँगी और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने कोई कलर इसमें नहीं डाला है। ये आलू बुखारे का कुदरती खुद कलर है, माशाल्लाह, ये अल्लाह की शान है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है। यहाँ पर मैं इसे मैश कर लूँगी आलू बुखारों को अच्छी तरीके से और इसका जो गूदा है वो हम गुठली से अलग कर लेंगे। इसकी गुठलियों में हम मशीन इसलिए नहीं चलाएंगे कि मशीन हमारी जाम हो जाएगी। अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस पर अभी भी कच्चापन है। अब थोड़ी देर और मैंने इसे पका लिया है तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब आप देखिए, मैं देख रही हूँ कि गले, देखिए उन्होंने छिलका अपना अलग कर दिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये गल गए और मैश हो रहे हैं। देखिए आप कितने अच्छी तरीके से हाथ के ही उससे ये मैश हो गए हैं और इसके अंदर से ये गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो गई हैं। तो इसकी गुठलियाँ हम सारी निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको गुठलियों से अच्छी तरीके से देखें, गुठलियों पे जो बचा हुआ था उस रेशे को भी मैंने खूब अच्छी तरीके से दबा दबा के निकाल दिया है और इसका गूदा भी हम उसी के अंदर शामिल कर देंगे ताकि हमारा जूस जो है वो गाढ़ा और कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। ये देखें बीच को मैंने कितने अच्छी तरीके से साफ़ किए हैं। अब इसके अंदर मैं डंडे वाली मशीन आती है वो चला लूँगी। अगर आपके पास डंडे वाली मशीन नहीं है तो आप जूस मशीन में भी इसे तैयार कर सकते हैं और ठंडा ठंडा सा आलू बुखारे का शरबत जो है वो तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका कमेंट और लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो आप लोग कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा।
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।